हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू मार्क ट्रैक पार्ट होगा ये सिक्स। पहले पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट में हमने 1500, 5000 और 10000 मीटर के संपूर्ण जो है अध्ययन कर चुके हैं। अब जो है ट्रैक इवेंट्स में 4x100 मीटर रिले रेस जो कि महत्वपूर्ण होता है, इसे आज हम लोग देखेंगे। तो इसके जो महत्वपूर्ण जानकारियां जो है, आपको बैटन कैसे एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज जोन क्या होता है, एक्सीलरेशन जोन क्या होता है, इन सभी के बारे में करते हैं, कैसे उसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है, ये सभी चीज हम लोग आगे देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक, फेसबुक पर शेयर, ट्विटर पर शेयर, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। तो ये सभी चीज जो है 10 मीटर फ्लाई जोन जो बोल रहे हैं एक्सीलरेशन जोन और 20 मीटर जो एक्सचेंज जोन है, ये सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 100 मीटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एक्सीलरेशन जोन होता है, ठीक है, एक्सचेंज जोन के पहले एक्सीलरेशन जोन होता है। तो एक्सीलरेशन जोन में आप एक्सीलरेशन अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको वो 10 मीटर का होता है, उसमें आप स्पीड को बढ़ाने के लिए वहां पर प्लेयर रहता है, वहां से स्पीड बढ़ाएगा बट एक्सचेंज नहीं करेगा, वो अपना क्या है बैटन एक्सचेंज नहीं करता है। दूसरा चीज देखिए, यहाँ पर बैटन एक्सचेंज करते समय उसके बाद जो 20 मीटर जो होता है ना, 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे, ये 20 मीटर का एक्सचेंज जोन होता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एक्सचेंज जोन लिख दिया है, उससे पहले जो एक्सीलरेशन जोन होता है 10 मीटर का वो नहीं लिखा है इसमें, तो वो होता है, ये आप लोग देख लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे जो मैंने बनाया है पिक्स, उसमें ये आप एक्सचेंज हम कर रहे हैं उस समय आपके जो सामने वाले सहयोगी साथी प्लेयर है वो आपको पीछे पलट के नहीं देखेगा। अगर पीछे पलट के देखता है 4x100 मीटर रिले रेस में तो वहां पर आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान जरूर देना है कि आपको सामने देखना है, लेकिन जो सामने पीछे वाला आपके जो पार्टनर है वो आपको हाथ में कैच कराए। कैच कैसे कराए, यहाँ पर देखिए डेमो दिखाया गया है, ये सामने दौड़ रहा है, उसको ये आपको कौन से कॉर्नर में पकड़ना है बैटन को, ठीक है, ये कितने ग्राम का होता है करके भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, 50 ग्राम का होता है ये। दूसरा चीज इसमें का 10 मीटर का फ्लाई जोन जो होता है, या हम इसको एक्सीलरेशन जोन कहते हैं, ठीक है, वहां पर आपको क्या नहीं करना रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए डेमो दिखाया गया है पिक्स में कि पहले फ्लाई जोन में ये यहाँ से दौड़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेगा आपके सहयोगी प्लेयर, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जो 10 मीटर और आपको दिया गया है ये किसमें दिया जाता है, 4x100 में ही दिया जाता है, 4x400 में ये जोन नहीं रहता है आपका, एक्सीलरेशन जोन या फ्लाई जोन जो होता है ये नहीं रहता है 4x400 मीटर में, लेकिन ये आपका 4x100 मीटर में ये रहता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 10 मीटर पहले यहाँ तक दौड़ के ये आगे आएगा, ठीक है, ये प्लेयर जो है आपके पहले से जो वहाँ रेडी रहता है बैटन लेने के लिए वो पहले आगे रहता है, ये दौड़ के नजदीक आता है, ये अपना स्पीड बढ़ाएगा 10 मीटर तक। अब यहाँ 10 मीटर तक आगे बढ़ने के बाद आपको ये 20 मीटर के जो एक्सचेंज जोन होता है इसके अंदर में आप एक्सचेंज करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये समझ आ गया होगा इसका। अब इसका जो मार्किंग होता है, ठीक है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 80 मीटर का फुल स्टेगर बना दिया है और इसके बाद आप लोग को पूरा मिल जाएगा कि 84.39 जो मीटर होता है हमारा एक स्टैंडर्ड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, वो आपको आगे मिल जाएगा। तो इसमें का अब दूसरा महत्वपूर्ण है मार्किंग का। तो मार्किंग करने में हमको दिन भर का समय लग जाएगा अगर हम टेप से ऐसे नापते रहेंगे सबका, तो इससे अच्छा उससे हम जल्दी बना पाए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूला से पहले हमें ये जानना होता है कि इसमें आपको शुरुआत करने के बाद जो सेकंड प्लेयर है वो कहाँ पर खड़े होगा। जनरली हम देखते हैं स्कूलों में फर्स्ट प्लेयर यहाँ पर इस लाइन में खड़ा कर दिए, सेकेंड प्लेयर को इस लाइन में खड़ा कर दिए, फोर्थ को यहाँ, तो यहाँ की यहाँ से जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, 84.39 या 80 मीटर का ही रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक तय करने वाले को 120 मीटर की दूरी पड़ जाती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है हमको, और इसे ध्यान रखने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि पहला जो एक्सचेंज होता है 100 मीटर में होगा ही जो है माइनस करेंगे, ठीक है, तो उतना हमको ये माइनस करके क्या मिलेगा, फर्स्ट स्क्रैच लाइन बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, स्क्रैच लाइन कहा जाता है, ये अपना हो गया स्क्रैच लाइन। अब ये स्क्रैच लाइन से तात्पर्य क्या है, उससे ऊपर में एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, टी माइनस डी एस अपॉन टी इंटू
फुल स्टेगर ऑफ दैट स्क्रैच लाइन, अर्थात पहले जो धावक ने कितनी दूरी तय की है पहली लाइन से उसके लिए। ये टी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व, यानी कि ये टोटल कर्व यहाँ से यहाँ तक 120, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 120, ये हमारा दोनों साइड का 120 कितना होता है 240 मीटर का, ये हमारा टोटल टी मीन्स टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ऑफ कर्व, ठीक है। माइनस 100 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो फर्स्ट यहाँ तक जो स्क्रैच लाइन होती है, ये देखिए डी एस का मतलब क्या होता है, कर्व डिस्टेंस अप टू दैट स्क्रैच लाइन, ठीक है। जो पहले धावक होता है वो कितनी दूरी तय करता है, पहला धावक 100 मीटर दूरी तय करता है, तो ये होगा आपका डी एस का मतलब 100 मीटर वो पहला धावक तय करता है, तो ये धावक का माइनस कर देंगे। अब अपॉन टी है यहाँ पर फॉर्मूला में, तो अपॉन टी यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ कर्व यही है 240 ही होगा, इनटू फुल स्टेगर। तो फुल स्टेगर कितना कितना होता है इसमें, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 7.04, ठीक है, फर्स्ट जो है सेकंड लेन के लिए 140 ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे 240 से, और ये हो जाएगा FS इसका कितना हो जाएगा, फुल स्टेगर हो जाएगा आपका 7.04, ठीक है, और इनटू 240, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ये आ जाता है 5.583। अब इस 5. ये इसका दोनों का आ गया 5.83 इंटू FS यानी फुल स्टेगर। तो फुल स्टेगर हमको कितना लेना है, फुल स्टेगर में आप कोई भी स्टेगर जैसे कि जिस लाइन का करते हैं, जैसे सेकंड लाइन का करेंगे हम तो ये 7.04 आएगा, और यहाँ पर एक हमने उदाहरण के तौर पर जो है दूसरा आगे नेक्स्ट पेज में देखेंगे, सेकेंड स्क्रेच लाइन होता है यहाँ से, ये आपको इसी से आपको जो है फुल स्टेगर को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर पॉइंट रहेगा 5.83 इंटू फुल स्टेगर, यानी कि यहाँ पर हम 7.04 या 14.70 मीटर को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, या जो ओरिजिनल 84.39 का जो स्टेगर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पहले सेकेंड स्क्रेच लाइन, तो सेकेंड स्क्रेच लाइन का जो मुख्य बात है 120 मीटर, ये कहाँ से आया ये हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमने जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना तय कर लिए, ये कर्व 100 मीटर तक, तो 100 मीटर पहले में हम लोग 100 मीटर लाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब दूसरे स्क्रेच लाइन के लिए कितना कर्व वो में मतलब दौड़ता है प्लेयर, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है कितना होता है 120 मीटर, अगर 84.39 का स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कम हो सकता है ये कर्व, तो उतना कर्व को हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना कर रहा है, ये एक कर्व कर रहा है पूरी, तो ये 120 मीटर का है, तो ये 120 मीटर ही माइनस करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आगे यहाँ पर आता है तो उसमें और कर्व तो नहीं दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर 220 मीटर दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं 200 मीटर का जो कर्व है वो कैसे 220 मीटर आए, तो ये पहला कर्व कितना होता है 120 मीटर का, और दूसरा कर्व में आपको वहां से लेकर के 100 मीटर दौड़ रहे हैं, तो ए 100 मीटर और ये 120 मीटर, तो 120 और ये 100, 220 मीटर हो गया, तो ये आपका 200 मीटर है, तो इसको हम लोग माइनस करके स्क्रेच लाइन का जो है मार्क निकालते हैं, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर तो 120 मीटर का माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 0.50, ठीक है 0.50 मीटर आता है, और ये 0.50 को ही आप उसी स्टेगर से, यानी कि सेकंड स्क्रेच लाइन है तो इसी स्टेगर को है ना आपको करेंगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस मल्टीप्लाई किया हूँ उसको आगे बढ़ के कितना बच जाएगा आपका थर्ड के लिए 220, कितना हो जाएगा टोटल थर्ड के लिए 220 मीटर, तो इसे 220 मीटर को माइनस कर दिए तो आपके पास कितना बच गया 0.083 आ जाएगा, इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे फुल स्टेगर को, उसी फुल स्टेगर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट का क्या था 0.583 आया था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 23.37, यानी ये फोर्थ लेन के लिए है ना, अगर यहाँ पर 23 है उसके जगह में हम 7.03 अगर सेकेंड लाइन का निकालते हैं तो यहाँ पर 7.037 मीटर को मल्टीप्लाई करते तो जो हमारे पास मान आता है यहाँ पर जो आंसर आता वो स्टेगर को हम उस स्टेगर में बढ़ाते, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये आपका फर्स्ट है, सेकेंड में यहाँ 7.04 हो गया, फिर 10, ठीक है मतलब 14, देन 23, तो ये स्टेगर इस प्रकार से हमारे पास स्टेगर आ गया,
ठीक है, इस स्टेगर से आपको क्या कराना है, रन कराना है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी हो गई, ये जो फर्स्ट स्टेगर लग रहा है 7.04, उसमें मल्टीप्लाई कितना हो जा रहा है आपका 0.583 मीटर। जैसे कि हमने यहाँ पर जो है सेकेंड लेन में निकाला है, आपका सेकेंड लेन का यहाँ पर फोर्थ लेन का किया है, ठीक है, फोर्थ लेन का फुल स्टेगर, तो ये फुल स्टेगर हो जाएगा 22.368। तो 368 यहाँ पर दिया है 23.37 मीटर, ठीक है। तो इस 23.37 मीटर को हम लोग, ये ओरिजिनल है ना, 84.39 मीटर का स्टेगर है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने फोर्थ लाइन का ये किया है, इसमें का फोर्थ लाइन का कितना होता 22.368 मीटर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते तो 13 point something something जो भी आता है यहाँ पर, ये जो स्टेगर है, ठीक है, फर्स्ट का स्टेगर, हम उसी को क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि स्टेगर लगाएंगे, ये फर्स्ट स्क्रेच लाइन में लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा कितना है 100 मीटर है, अब यहाँ से इतना आगे स्टेगर, इसका 13 पॉइंट का स्टेगर लगता, इसके 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, क्या लगेगा हमारा एक्सीलरेशन जोन 10 मीटर का, 10 मीटर 10 10 20 मीटर आपका एक्सचेंज जोन लगेगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेगर के लिए, और यहाँ पर आगे जो दिखाई दे रहा हो एक लाइन, ये आपका फर्स्ट स्टेगर लगेगा, ठीक है। देन इसी लाइन में आपका सेकेंड स्टेगर के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.04 से फुल स्टेगर को। तो फुल स्टेगर हमारे पास है 7.04 है ना, तो उसी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना मान हमें प्राप्त होता है उस मान को हम लोग रखेंगे और यहाँ पर उसका स्टेगर देंगे। देन थर्ड स्क्रेच लाइन का निकाला गया है, ठीक है, थर्ड स्क्रेच लाइन का आपका निकलेगा 0.083 मीटर। तो 0.083 मीटर को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करेंगे फुल स्टेगर से उसी से, यानी कि 7.04। तो यहाँ पर जो भी मान प्राप्त होगा उसको हम लोग आगे करेंगे। इसी प्रकार से हमने जैसे पहले से एक करके रखा है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने करके रखा है पहले से, फर्स्ट का मतलब फोर्थ लाइन को निकाले हैं, तो फोर्थ लाइन का क्या हो गया आपका 13.62 मीटर, ये आपका फर्स्ट स्क्रेच लाइन के आगे का स्टेगर है ये। देन सेकेंड लाइन का स्टेगर 11.68 मीटर हो जाएगा, थर्ड स्क्रेच लाइन ओनली 1.93 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे जो है 100 मीटर का फासला हो जा रहा है, बाकी इधर तो हम आगे बढ़ा दिए हैं स्टेगर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका सभी लाइन के लिए होता है, ये फोर्थ लाइन का निकाले फर्स्ट लाइन का निकालते तो यहाँ पर हम लोग 7.037 मीटर से मल्टीप्लाई करते इसी पॉइंट को। हमको सबसे मेन पॉइंट है जो है स्क्रेच लाइन निकालना, तो स्क्रेच लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है आपने देख लिया है कि E माइनस डी एस अपॉन टी इंटू फुल स्टेगर दैट स्क्रेच लाइन, ओके। तो आशा करता हूँ ये चीजें जो है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर फिफ्थ लाइन का निकाल के देखे हैं, फिफ्थ लाइन में भी सेम टू सेम प्रोसेस है, देख लीजिए समझ आ जाएगा। फर्स्ट लाइन में भी वही है 0.53 स्क्रेच लाइन, तो वही रहेगा क्योंकि एक बार स्क्रेच लाइन निकलेगा सबका, स्क्रेच लाइन निकल गया उससे आपको वन फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ फुल स्टेगर को रख के उसे इस नंबर से स्क्रेच का मान जो आया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर आएगा जो भी मान आएगा उस मान को हम लोग स्टेगर के रूप में फर्स्ट स्क्रेच लाइन के आगे स्टेगर देंगे सेकंड स्क्रेच के लाइन के। इसी प्रकार से हम लोग ये चीजें जो है करेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ मैं जो भी समझाया हूँ आप लोग को समझ आया होगा। ये 80 मीटर के अकॉर्डिंग दिया गया है, और 80 मीटर से भी आप बना सकते हैं, स्कूलों में जहाँ पर पहले से ट्रैक नहीं बना रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। बाकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है 84.39 ही स्टैंडर्ड है, और इसका स्टैंडर्ड मान जो होता है आपका स्टेगर जो होता है 200 मीटर का, 400 मीटर, 800 मीटर, 800 मीटर का फर्स्ट कर्व के लिए। और स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं, देख लीजिएगा कितना कितना है, 400 मीटर के लिए जो है फुल स्टेगर होता है, 200 मीटर का जो जितना है यहाँ पर आपका हाफ स्टेगर होता है, 800 मीटर में भी हाफ स्टेगर प्लस डीईडी जो है डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस लगा होता है, देन फोर होता है, देन फोर महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।